Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. राजस्थान में चुनाव के बाद जिस तरह से परिणाम का इंतज़ार है सभी को, और जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भी अब आगे के जो लोग हैं वो परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं। मेवाड़ वागड़ की जो सीट है बांसवाड़ा, वहां पर सभी को इंतज़ार है और चर्चा वही है, क्योंकि राजस्थान में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां बीकानेर हो, नागौर हो या फिर बांसवाड़ा हो, उन सीटों की चर्चा सभी जगह बनी हुई है। वहाँ पर कहीं कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो कहीं जो बीजेपी के दिग्गज थे, जो कांग्रेस के दिग्गज थे, वह बीजेपी से चुनाव लड़े, वह बांसवाड़ा में देखने को मिला। वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी। विधानसभा चुनाव से पहले आई पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी जो बड़ी पार्टियां उनकी कहीं ना कहीं सांसें फुला दी। ऐसे में जो बड़े नेता थे उनको वहाँ पर प्रचार में आना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जैसे चेहरे हों वह वहाँ आकर प्रचार करते हैं और उस कैंडिडेट के लिए अपने लिए वोट मांगते हैं। जिस तरह से जो देखने को मिला बांसवाड़ा में, जहाँ पर पहले कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा, लेकिन बाद में जब नामांकन वापसी की समय आया तो उन्होंने कहा गठबंधन है, लेकिन जब कैंडिडेट जो कांग्रेस का था वो वहाँ पर नहीं पहुँचा तो फिर कांग्रेस से सिंबल से चुनाव लड़ा गया। लेकिन पार्टी का जो कैंडिडेट था, जो पार्टी थी, पार्टी का भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। एक तरफ जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वह भारत आदिवासी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो आसपास के जो लोग थे, कुछ नेता थे, वह सिर्फ कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के गठबंधन को लेकर भी वहां पर चर्चा बनी रही। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने उस क्षेत्र पर तो भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन किया, लेकिन दूसरी सीटें ऐसी थी जिसमें उदयपुर हो, चित्तौड़ हो, उन पर किसी तरह का गठबंधन नहीं हुआ, तो फिर उस क्षेत्र में ऐसे में अब माहौल की बात करें तो वहाँ पर भाजपा से जो महेंद्रजीत मालविया थे, जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता माने जाते थे, और जिस तरह से वो पार्टी को रिपोर्ट करते थे, जिस तरह से वो पार्टी को बताते थे, उसी तरह पार्टी उस क्षेत्र में काम करती थी, लेकिन चुनाव से कुछ समय पहले वह कांग्रेस का दामन छोड़ते हैं और भाजपा को पकड़ लेते हैं और भाजपा उन्हें उस क्षेत्र में अपना कैंडिडेट बनाती है। विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय वह कांग्रेस से चुनाव लड़े, विधायक बने और उन्होंने विधायक से इस्तीफा देकर भाजपा से ज्वाइन किया और भाजपा से सांसद का चुनाव लड़े। उसके बाद अब उस क्षेत्र में देखें तो जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी कहीं ना कहीं कहे तो रोचक मुकाबला है। किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, जो लोग हैं उनका कहना है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया तो प्रचार में उस समय जब सभा थी उन्होंने तो उन्होंने काफ़ी कुछ लोग टारगेट्स करके बात की थी, जब मंगलसूत्र की बात हो या फिर मुस्लिम जो लोग हैं उनको टारगेट्स करके बात की थी, तो ऐसे में वहाँ के जो मुस्लिम वर्ग लोग हैं वह उनसे कहीं कहीं नाराज़ दिखाई दिए। जो बीजेपी मुस्लिम समाज के जो नेता थे उनके बयान भी प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सामने आए। उसके बाद कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में मुस्लिम लोगों की नाराज़गी दिखी। उसके साथ ही जो दूसरे वर्ग लोग हैं, जिस तरह से एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी ने उनके लिए आदिवासियों के हित के लिए वोट मांगे, तो जो भाजपा पति उन्होंने देश के लिए वोट मांगे। और अब उस क्षेत्र में, क्योंकि एक तरफ जो विधानसभा चुनाव में 3 सीटें लाती है और राजस्थान में तीसरे नंबर की पार्टी उभरती है, दूसरी तरफ कांग्रेस जिसका कोई सिंबल दिया गया लेकिन कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी का प्रचार किया, उस क्षेत्र में बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। और अब भी चर्चा यही है किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि 400 पार की बात, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, और ऐसी सीटें जहां पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, अभी भी कोई कहना नहीं होगा कि उस क्षेत्र में कौन बाजी मारेगा। एक तरफ महेंद्रजीत मालविया भाजपा से पूरी तरह से मजबूत दिखे, दूसरी तरफ जो राजकुमार रावत है वह पूरी तरह से मजबूत दिखे। हालांकि जो लोग हैं उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार हो या फिर जिस क्षेत्र में पीछे के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी जो भाजपा थी वह काफ़ी अच्छे वोटों से जीती थी। उस समय जो सांसद कनकमल कटारा थे वह अच्छे वोटों से जीते थे। उस क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर को छोड़कर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो सीटें हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत दिखाई दी है, और हो सकता है इस बार पलड़ा भारी पड़े। भारत आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया, दूसरी तरफ भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ा, तो अब उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं चर्चा तेज बन गई है। TV9 के लिए राजेश डांगी।